पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की मार से बिलबिला रहा है। चढ़ता पारा लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। चिलचिलाती गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए लोगों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। लोग सुकून की तलाश में उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर जैसी ठंडी जगहों की ओर दौड़ पड़े हैं। ट्रेन और प्लेन में जगह नहीं मिल रही है तो लोग अपनी निजी गाड़ियों से निकल पड़े हैं, जिससे इन जगहों पर हालात बिगड़ने लगे हैं। बड़ी आबादी के पहुंचने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें तो बढ़ी ही हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत ट्रैफिक जाम से हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर की बात करें तो इनमें से उत्तराखंड जाना लोगों के लिए ज्यादा आसान है। यहाँ जाने के लिए आवागमन के साधन सुलभ हैं और दूरी भी ज्यादा नहीं है। यहाँ दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए सस्ते और सुलभ हिल स्टेशन है, जिससे बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि सैलानियों की बढ़ती संख्या से पहाड़ी रास्तों पर भीषण जाम लग रहा है। बीती रात नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर कैसा नजारा था वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं। लोग घंटों जाम में फंसकर हलकान होते रहे। टूरिस्ट सीजन में सरोवर नगरी नैनीताल के क्या हाल है, इसको दिखाने के लिए महज कुछ तस्वीरें काफी हैं। ये भीमताल से हल्द्वानी को जोड़ने वाला मार्ग है और इसमें कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन ये जाम 8 से 10 किलोमीटर का है और इसमें बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो देश के कोने कोने से आए हुए हैं। इतना लंबा जाम है कि पिछले 4 घंटे से गाड़ियां बिल्कुल रेंग रेंग के चल रही हैं। ना तो यहाँ पे कोई पुलिस का बंदा दिख रहा है और ना ही किसी तरह के अन्य इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल सके। हम बात करने की कोशिश करें कुछ लोगों से। आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो नैनीताल से आ रहे हैं। कितने देर से आप इस जाम में फंसे हुए हैं? 1-1.5 घंटे हो गए। और क्या पहले भी स्थिति कभी रही है ये? जी, आने में भी यही थी। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। हम लोगों को नैनीताल पहुंचने में 4-5 घंटे लगे। बहुत तरह की दिक्कतें हो रही है। देखिए, इसमें गाड़ी में तमाम लोग सवार हैं लेकिन जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है निश्चित तौर पर परेशान करने वाली है। और सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अल्मोड़ा से आ रहा हूँ। सर, किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कत जाम है और क्या है। कितने देर से आप जाम में फंसे हैं? जाम में मैं उधर भी जाम था, रातीघाट के पास भी जाम था, इधर भी जाम है। मैं करीब यहाँ पर करीब 1 घंटे से जाम में फंसा हूँ। 1 घंटे से जाम में फंसे हूँ और ये स्थिति किसी एक लोगों के लिए नहीं है। ये कुछ लोग दिल्ली से आए हुए हैं, लगातार जो जाम की स्थिति है वो बनी हुई है। परेशान हो रहे हैं लोग क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। ये जो एक मात्र रास्ता है नैनीताल हल्द्वानी को जाने वाला, निश्चित तौर पर लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। और जब खास तौर पे यात्रा सीजन हो उस समय दिक्कतें ज्यादा होती हैं। अभी उत्तराखंड की चार धाम यात्रा चल रही है और 1 जून से हेमकुंड साहिब के द्वार भी खुल गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, रानीखेत, नैनीताल, ऋषिकेश और मसूरी के रास्तों से होकर इन तीर्थ स्थलों पर पहुँच रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने निकले हैं, जिससे इन शहरों में भीड़ का दबाव बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गाड़ी वाले 3 लाइन लगा रहे हैं, इनके वजह से पब्लिक को परेशानी, यानी लोगों की जो एक जल्दी जाने की दिक्कत है उसकी वजह से जाम लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जाम की बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये क्या दिक्कत हमेशा रहती है या इस बार देखने को मिली? ना, इसी बार देखने को मिली। हिल स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ के चलते जिन सड़कों पर गाड़ियां अब तक फर्राटा भर रही थी, उन हाईवेज पर गाड़ियां अब रेंगती नजर आने लगी हैं। वीकेंड में तो हालात इतने खराब हो जा रहे हैं कि गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहती हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी का हाल देख लीजिए, कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी नजर आ रही है। इन दिनों ऐसा नजारा आम हो चला है जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मसूरी में सब कुछ अच्छा है घूमना फिरना, लेकिन जाम बहुत है, ट्रैफिक पैसा कॉस्टली है, बहुत पैसे लेते हैं, ना ही टाइम लगता है, 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहो, 4-4 घंटे जाम में फंसे रहो। हॉलीडेज में काफ़ी रश है, इसलिए जाम डेफिनेटली लगना एक ऑब्वियसली होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 3,68,52,000 टूरिस्ट उत्तराखंड घूमने आए, जिनमें 3,67,00,000 भारतीय टूरिस्ट थे, जबकि 2017 में 3,47,23,000 टूरिस्ट आए, इनमें से 3,45,00,000 देसी सैलानी थे। यानी 2017 के मुकाबले 21,29,000 टूरिस्ट बढ़ गए। जाहिर है टूरिस्टों की संख्या बढ़ रही है जिससे परेशानियां भी बढ़ रही हैं। ट्रैफिक जाम से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ने से उनकी कीमतें आसमान छूने लगी हैं। जाम के कारण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हिल स्टेशनों की आबो हवा भी बिगड़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश के हालात भी जुदा नहीं है।
शिमला से लेकर मनाली और रोहतांग पास तक सैलानियों से अटे पड़े हैं। लोग गर्मी से निजात पाने और यहाँ की खूबसूरती निहारने के लिए बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। नतीजा आपके सामने है, जिस भी रास्ते पर चले जाइए आपको जाम में फंसी गाड़ियाँ नजर आ जाएंगी। तस्वीरें मनाली की हैं, जहाँ कई किलोमीटर के जाम में फंसे लोग परेशान हो रहे हैं। पूरे देश भर के सैलानियों के लिए पहली पसंद माने जाने वाले इस पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या जो है एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। मैं इस वक्त मनाली शहर के बीचों बीच हूँ। सबसे पहले यहाँ की मौजूदा तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये NH3 का नज़ारा है, जहाँ पर सीज़न के दौरान हर साल कुछ इसी तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थानीय लोगों और सैलानियों को घंटों तक परेशान होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस वक्त मौजूदा तस्वीर भी कुछ यही बयां कर रही है कि लोगों को जो है यहाँ के पर्यटक स्थलों तक पहुँचने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। गर्मी से निजात पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं, उन्हें इससे कुछ समय के लिए राहत तो मिल जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के पहाड़ों पर जाने से वहाँ का भौगोलिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। सरकार को पर्यटन से कमाई के साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि ऐसे हालात न पैदा हों, वरना वो दिन दूर नहीं जब देश के हिल स्टेशन सुकून की बजाय मुसीबतों के लिए जाने पहचाने जाने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।